नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज बीएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स का सेकंड पेपर कंप्लीट हुआ है, जो न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का था। और इसके अंदर हमने पांचों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, पांच वीडियो के माध्यम से प्रत्येक सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस पेपर के अंदर जो मैंने आपको प्रश्न बताए थे, उसमें से 90% क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेक्शन वाइज आ चुके हैं। एग्जाम्पल भी वही आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। जिन विद्यार्थियों ने मेरे बताए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, उन पे ज़्यादा फोकस किया था, तो उनको उससे बहुत लाभ मिला है और अच्छे नंबर उनको प्राप्त होंगे। तो अब हम विश्लेषण करते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो मैंने बताए थे, उसमें से आए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेक्शन ए के अंदर मैंने आपको बताया था द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन आएगी, ये मैंने सेक्शन ए के लिए बताया था, तो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं मैजिक संख्याओं के बारे में मैंने नहीं बताया था। श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन क्या होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इस पर मैंने गुणन कारक बताया था कि वो डिपेंड करता है कि वो श्रृंखला है वो नियंत्रित होगी या नहीं। और तीसरा, क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक द्रव्यमान की परिभाषा आएगी। फिर मैंने आपको स्पेशली ये बताया था कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर है और कार्बन नाइट्रोजन चक्कर है, उसमें लास्ट इक्वेशन जो है वो पूछी जा सकती है, या उसका जो चैन रिएक्शन होता है, डायग्राम होता है, वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वो समीकरण पूछी गई है। फिर इसके आगे ये एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको मिलर सूचकांक बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाएगा डेढ़ नंबर के अंदर। वोल्टेजमान अभिगमन समीकरण के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वोल्टेजमान अभिगमन समीकरण जो है 5 नंबर यूनिट में आती है, सेक्शन ए में मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा हवल प्रभाव जो है उसका प्रायोगिक सत्यापन मैंने बताया था, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आ चुकी है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो FCC और BCC है उसके संकुलन गुणांक क्या होते हैं और एक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर वो तो नहीं आए हैं, लेकिन अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश यहाँ पर पूछे गए हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में मैंने आपको संघट प्राचल के लिए संबंध व्युत्पन्न करना बताया था। रदरफोर्ड प्रकीर्णन जो सूत्र है उसके अंदर हमने 2 वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके अंदर संघट प्राचल के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम, वो यहाँ पर आया हुआ है 3 नंबर के अंदर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है नाभिकीय भट्टी वाला, मैंने आपको बताया था कि नाभिकीय भट्टी के जो पार्ट होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि कई बार इसमें 0.1 किलोग्राम संख्या भी आ जाती है, तो उसको आपको ग्राम में चेंज करके इसे हल करना है। यहाँ पर डायरेक्ट ग्राम में दिया गया और डायरेक्ट बुक से उठाया गया है, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल था, 3 नंबर का है। फिर मैंने आपको गाइगर मूलर गणितर यानी GM काउंटर बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें समन प्रक्रिया का वर्णन करना आएगा 3 नंबर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज जो मैंने बताया वो का वो प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। फिर मैंने आपको क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य अंतराल हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना भी बताया था कि 3 नंबर के अंदर ये आएगा, डी का मान ज्ञात करना जो होता है 4th यूनिट के अंदर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले में आता है। फिर मैंने आपको इसके अंदर विंडेमान फ्रांज नियम को व्युत्पन्न करना बताया था 5 नंबर यूनिट के अंदर, कि 3 नंबर में ये आएगा। और फोनोन की परिभाषा भी मैंने आपको कहा था, इसके साथ साथ मैंने इसकी अनुकुलोप प्रक्रिया वो कहा था, लेकिन यहाँ पर इसके गुणधर्म पूछ लिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से विंडेमान फ्रिंज नियम जो है, जिसमें मैंने लोरेंज संख्या के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पर ये आए हैं। तो सेक्शन बी के अंदर अपना एक ये प्रश्न मैंने जो आपको बताया था वो आ गया। इसके अलावा मैंने आपको जालक तलों के मध्य अंतराल ज्ञात करने वाला बताया था, ये आ गया। समन प्रक्रिया का मैंने आपको बताया था, ये आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जांपल आ गया, यानी सेक्शन बी आपका कंप्लीट वही आया है जो मैंने बताया है। तो इसमें आपको 4 करने थे प्रश्न और ये 4 जो मैंने बताए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। सेक्शन सी की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अर्धमूलानुपाती सूत्र यानी कि आप इंग्लिश में देख सकते हैं सेमी एम्प्रिकल मास फॉर्मूला यानी सामी अनुभाविक सूत्र भी इसको बोलते हैं, ये सिद्ध करना यहाँ पे आया हुआ है। इसके अलावा स्वतः विखंडन और विभव रोधी का यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, बीटाट्रॉन मैंने आपको इसका प्रतिबंध बताया था, तो यहाँ पे इसका सिद्धांत और कार्य प्रणाली टोटल आ चुका है। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि ब्लॉक परमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टेटमेंट इसका है, 2 वीडियो इसकी उपलब्ध हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर इनमें से
कोई भी आप अच्छा टॉपिक अगर आपने तैयार किया है तो आप उसको सेक्शन सी के लिए अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते थे। तो ब्लॉक पर में यहाँ पे हो गई, इसके अलावा इसमें बीटाट्रॉन हो गया या आपका लिक्विड ग्रुप मॉडल वाला हो गया, तो ये सभी आए हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर है बहुत अच्छा कंप्लीट हुआ है और आगे के पेपर में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।